रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभेम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर। राम त्वमेवाश्रयः। ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाखो ऋक्पत्रः सामपुष्पानः प्रभाते। मध्ये सायं त्रिकालं सुचरितचरितः पातु वो वेदवृक्षः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् व्याजेन मार्गेण बहिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः। आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकाभ्यः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। बोलिए राजा रामचंद्र जी भगवान की। महारानी जनक नंदनी श्री जानकी जी की। श्री अवध धाम की। श्री शरजू महारानी की। श्री राम जन्मभूमि की। श्री राम जन्मभूमि महामहोत्सव की। श्री हनुमान जी महाराज की। ग्राम देवता की। क्षेत्र देवता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। हर हर महादेव। स्वागतम। जलं गृहीत्वा अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पुण्डरीकाक्षः पुनातु। पुण्डरीकाक्षः पुनातु। विष्णुर्विष्णुर्हरिर्हरिः। पवित्री कुशावली है। मोहन जी भी शायद कुछ लाए हैं। ध्यान ध्यान किया जाए। वो प्रकरण को शॉर्ट करते इसीलिए देख लिया समय है। पुष्प लेकर के विघ्नेश्वर भगवान का स्मरण किया जाए। दो मिनट पहले इशारा कर देंगे। दो मिनट पहले यजमान और माननीय राज्यपाल महोदया। अस्य श्री संकट हरण स्तोत्र मंत्रस्य श्रीमन् महागणपति देवता मम सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। अस्मद्देशस्य सर्व संकट हरणार्थे जपे विनियोगः। ओम ओम ओंकार रूपं त्रिहमिति च परं जत् स्वरूपं तुरीयम्। त्रयगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्तेजसिन्दूरमूर्तिं। योगेन्द्रैर्ब्रह्मरन्ध्रैः सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण सङ्गं। गङ्गं गङ्गं गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयं ते। सलिल सिंहं बं बं विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशुण्डम्। क्रं 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 क्रोधमुद्रा दलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूले। दं 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 दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वानिषेव्यं। धं 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 धारयं तं धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयं। तुं 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 तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान्। क्लीं क्लीं क्लीङ्कारनाथं गलितमदमिलल्लोलमत्तालिमालम्।
ह्रीं ह्रीं ह्रीङ्कार पिङ्गं सकल मुरिवरध्येय मुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 शयं तं सकल निधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लौं लौं लौङ्कारमाद्यं प्रणवमिव पदं मन्त्रमुक्तावलीनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकरसदृशं योगिनां ध्यानगम्यम् दण्डं दण्डावरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशम् जं 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 यज्ञनाथं जपतिमुनिवरोपाशमभ्यन्तरं च हुं 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 हेमवर्णं श्रुतिगणितगुणं शूर्पकर्णं कृपालं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं ह्युरसि च विलसत्सर्पयज्ञोपवीतम् स्वाहा हुं फट नमोऽन्तैष्ठ ठठ सहिते पल्लवे सेव्यमानम् मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितमहिमाधारमीशं प्रपद्ये पूर्वं पीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं पूर्वपत्रं पवित्रं यस्योर्ध्वं शुद्धरेखा वसुदलकमलं वस्वतेजश्चतुस्रं मध्ये हुङ्कारबीजं तदनु भगवतः स्वाङ्गसर्गं षडस्रे अष्टौ शक्तिस्सिद्धिर्बहुलगणपतिर्विष्टरश्चाष्टकं च धर्मात्यष्टौ प्रसिद्धा दश दिशि विदिता वा ध्वजाल्यः कपालं तस्य क्षेत्रादिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं जो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताद्यैर्निवेद्यैर्मोदकानां स्तुतिजुतविलसद्गीतवादित्रनादैः राजानस्तस्य भृत्या इव जुवतिकुलं दासवत् सर्वदास्ते लक्ष्मीः सर्वाङ्गयुक्ता शयति च सदनं किङ्कराः सर्वलोकाः पुत्राः पुत्र्यः पवित्रा रणभुवि विजये द्योतवादेऽपि वीरो यस्येषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः भगवान श्री राम की कुलदेवी भगवती कालिका हैं। परसों पूजन हुआ है उनका, तो हम भगवती कालिका भगवान की कुलदेवी का ध्यान कर लें। और यह श्री दुर्गा सप्तशती का कवच है अथवा संपूर्ण जितने भी संप्रदाय हैं सबके लिए यह महाकवच है। इसका नित्य ही पाठ करना चाहिए सबको यथाशक्ति, कहीं उनके ऊपर कोई क्षति नहीं, कोई आशंका नहीं आ सकती है। भगवान की कृपा है, मूल कवच है, चार श्लोक हैं मात्र छोटे छोटे। ओम शूलेन पाहि नौ देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानि स्वनेन च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्याञ्च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यान्तथेश्वरि सौम्यानि जानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि ते रक्षास्मास्तथा भुवं खड्गशूलगदादीनि जानि शास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः। बोलिए महाकाली माता की, महालक्ष्मी माता की, महासरस्वती माता की, दुर्गा माता की, कात्यायनी माता की, कुल देवता की, हर हर महादेव। पुष्प को चढ़ा दिया जाए, समय क्या था? श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। सब कोई कीर्तन कर ले एक मिनट भगवान का मंगल में, चार मिनट हैं, अच्छा है भगवान का। हिरण्यवर्णां हरिणी सुवर्ण रजत स्रजा चन्द्राभिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी भदपगाविदीन् यस्याभिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानः अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीम् श्रियं देवीमुपवये श्रीमा देवी दुसरां कां सोऽस्मिताभिरण्यप्राकारा ज्वलन्ति
तृप्तां कल्पयन्ते पद्मे स्थितां स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महे महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्यङ्गः पृथिवेशस्य शालिनी देशोऽयं सोऽहिरो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः भारत माता की भारत माता की हर हर महादेव आपका कल्याण हो भगवान श्री सीताराम आपको जो लोग अविचल शक्ति पूजा पंडाल में कुर्सियों पर बैठे हैं प्रदान करें कृपया अपनी कुर्सी मंच की ओर मुंह कर लें पूर्ण विश्व कुर्सी का मुंह प्राप्त करें 180 डिग्री घुमाकर मंच की ओर कुर्सी का मुंह करके बैठने की कृपा करें तो वहां से पैदल चलकर ही आएंगे पैदल का ही मार्ग बनाया गया है और ये वो ऐतिहासिक क्षण जिसका सदियों से लोगों को इंतजार था विशिष्ट मुहूर्त में विशिष्ट जनों की उपस्थिति में विश्वराम जन्मभूमि जन्मस्थान के पुनर्निर्माण के लिए भूमि पूजन को संपन्न किया है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ये संपूर्ण राष्ट्र के लिए संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए संपूर्ण मानव जाति के ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व समत्व बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को रामाय कार्यम नमः रामात्रस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे भो राम मामुद्धर राम त्वमेवाश्रयः ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्द विस्तीर्णशाखो ऋक्पत्रः साम पुष्पो ये सनातन संस्कृति का प्रकाश स्तंभ होगा ये मंदिर सही मायने में यहाँ पर मूर्ति रूप में तो रामलला होंगे लेकिन अमूर्त रूप में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ममत्व समत्व बंधुत्व का संदेश समूची मानव संस्कृति को